नमस्कार सिटी होम देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरजेश मरा और एक नज़र पाने अज दियां वड्डियां ते ताजियां खबरां ते। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे प्रकाश दिहाड़े उत्ते पीएम मोदी वालों वड्डा ऐलान। हर साल 26 दिसंबर का दिन वीरवाल दिवस वजों मनाया जाएगा। ये दिन गुरु गोबिंद सिंह जी दे चार साहबजादियां दी शहादत नूं समर्पित होवेगा। SGPC प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह तामी ने कहा कि छोटे साहबजादियां दी शहादत नूं वाल संघिया नाल जोड़ के वीरवाल दिवस तक सीमित रखना शहादतां दी भावना ते सिख रवायतां दे मेच नहीं है। उन्हें कहा कि सिख इतिहास सिद्धांतां ते परंपरावां दे मद्देनज़र 10वें पातशाह जी दे साहबजादियां दीआं लासानी कुरबानियां वड्डों जोधियां वर्गियां हन। सिख इतिहास विच गुरु साहब जी दे साहबजादियां नूं संबोधन समय बाबा शब्द नाल सत्कार दिता जाता है। PM की सुरक्षा अणगहली मामले च CM चनी ने प्रियंका नूं दित्ती जानकारी ते पड़की भाजपा। भाजपा बुलारे संबित पात्रा ने सवाल पुछदिया कहा कि मौजूद मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा वर्गे संवेदनशील मुद्दे ते प्रियंका गांधी नूं जानू करवाया है। मुख्यमंत्री ने अजिहा क्यों किया है कि प्रियंका गांधी कोई संविधानक अहुदा संभालदी है जिस बारे उन्होंने जानकारी दी गई है। प्रियंका गांधी जिसन मौजूदा मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी है वह कौन है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चनी ने एक बार फिर भावुक मुद्दा उठाया। चनी ने कहा कि पंजाब नूं बदनाम करन वालियां नूं मुड़ना पिया। कहा है कि मैं PM लई महामृत्युंजय का पाठ करता हाँ। उन्हें एक बार फिर कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा विच कोई कुताही नहीं हुई है। पंजाब के मुख चोन अधिकारी नूं होया करोना। एक दिन पहला ही अधिकारियों नाल कीती सी मीटिंग। पंजाब के मुख चोन अधिकारी डॉक्टर SRaju एकांतवास दौरान वह घर बैठ के ही अपने चोन का काम देख रेख करनगे। बठिंडा च करोना विस्फोट। बठिंडा अंदर करोना के 204 मरीज सामने आए हैं। करोना के ये मामले एक ही दिन विच सामने आए हैं। जिक्रयोग है कि बीते दिन पटियाला विच जिथों सैकड़ों की गिनती विच करोना के मामले मिले सन उत्थे अमृतसर विच भी लगातार 2 दिन इटली तो आईया फ्लाइटां विचों सैकड़े मरीज करोना पॉजिटिव पाए गए ने। सोनू सूद की भैन मालविका कांग्रेस विच शामिल। मोगा तो लड़ सकती है चोन। जिक्रयोग है कि मालविका सूद पिछले महीने कांग्रेस पार्टी वालों प्रचार भी करती दिखाई दी सी और राजनीति में काफ़ी सरगर्म चल रही थी जिस पिछों उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी विचों किसी एक विच शामिल होने की चर्चा सी परंतु अखीर उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी का आया वड्डा बयान। उन्होंने कहा कि जे असी इकट्ठे हो जाइए तो की गलत है। असी अज अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं करांगे। राजेवाल की अगुवाई वाली पार्टी संयुक्त समाज मोर्चे नाल अगली मीटिंग जल्दी ही की जाएगी। ड्रग केस फंसे अकाली लीडर बिक्रमजीत सिंह मजीठिया अगाऊ जमानत से अज फैसला हो सकता है। पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट च हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस भेजा सी कि जिस विच उन्हां तों मजीठिया की पटीशन से 8 जनवरी तक जवाब मंगया सी। इस तों बाद सरकार ने हाईकोर्ट च जवाब सौंप दिता है। सिक्ख्या मंत्री प्रगट सिंह ते उठे वड्डे सवाल। बदली नीति दियां उड्डियां तजियां। टीचर्स फ्रंट के आगू ने दसिया कि पंजाब सरकार ने बदलियां का सियासीकरण कर दिता है जिसकी सख्त निखेधी करदिया उन्होंने दसिया कि सिक्ख्या विभाग पंजाब वालों गैर पारदर्शी ते गैर वाजिब ढंग नाल पिछले दिनी अध्यापकों दियां 500 तो बधेरे बदलियां कीतियां गईयां सन। विरोधी धिर दे नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुलाजमान नूं पक्के करन दा वादा करन ते सत्ता च आई कांग्रेस ने मुलाजमान की पिछ छुरा मारिया है। रिवायती दल सिर्फ राजनीति करन विच माहिर हन। उन्हां नूं आम लोगों के मुद्दों का अपने सियासी फायदे लई इस्तेमाल करना चंगी तरह आउंदा है। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਰਜੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।